जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसकी सूचना हमको सांसद जी ने दी है कि कमलेश तिवारी वाला हाल किया जाएगा, वही हश्र होगा। विधाता की मर्जी है, उसके पहले कौन क्या बिगाड़ सकता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जोया अखबार। बिहार में अपराधियों का मनोबल जो है दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग तो उनसे परेशान है ही, साथ ही साथ अब इन अपराधियों ने अपना टारगेट नेताओं को बनाना भी शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला जो है हम बता दें, वो सिवान से जुड़ा है, जहां सिवान की जदयू सांसद कविता सिंह को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम इस खबर में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि सिवान से जदयू सांसद कविता सिंह को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और कॉल करने वाले शख्स ने उन्हें कहा कि उत्तर प्रदेश के कमलेश तिवारी वाला हाल उनके पति का करेंगे। बता दें कि धमकी मिलने के बाद जदयू सांसद ने इस बात की जानकारी जिले के पुलिस कप्तान शैलेश सिन्हा को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि सिवान के सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह अभी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें अखलाक नामक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। ये जो अखलाक है, उन्होंने खुद को सिवान का निवासी बताया है और फोन पर उसने कहा कि अजय सिंह अंजाम बुरा होगा, तुम्हारा हाल भी यूपी के कमलेश की तरह करेंगे। इस धमकी भरे कॉल आने के बाद अजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अजय सिंह ने साफ तौर से कहा है कि हम इस तरह की गीदड़ भभकियों से नहीं डरते हैं, भगवान की जब तक मर्जी होगी उतने दिन जीऊंगा, इससे पहले कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या कुछ कहा है अजय सिंह ने, आप खुद सुने। 5:04 के करीब एक फोन आया माननीय सांसद जी के फोन पे और एड्रेस मेरा पूछ रहा था और अपना नाम अखलाक बता रहा था, सिवान से बोल रहे हैं, और जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसकी सूचना हमको सांसद जी ने दी है कि ऐसे ऐसे फोन आया था और जान से मारने की धमकी दे रहा था, जो कमलेश तिवारी वाला हाल किया जाएगा वही हश्र होगा। और फोन पर सूचना सांसद जी ने दी है और उन्होंने बताया कि हम सिवान एसपी को भी बता दिए हैं और मुझे सतर्क रहने की बात कही, ये सूचना मिली है हमको और हम लोग बराबर ही सतर्क रहते हैं और हम लोगों के जीवन जो है वो जनता की जीवन है, जनता की दी हुई है। विधाता जितना दिन लिखे हैं उतना दिन रहना है, विधाता की मर्जी है, उसके पहले कौन क्या बिगाड़ सकता है। और किसी के धमकी और किसी के कहने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, अपने पथ को बदलने वाले नहीं। जो जनता की सेवा की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है उसे करते रहेंगे निरंतर, चाहे जान रहे या नहीं रहे। यह स्थूल शरीर है, ये बदलना है, ये सत्य है, इसलिए जीव मरता नहीं है, यह स्थूल शरीर मरता है। और इस तरह की बातें से, इस तरह की भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है अजय सिंह ने। वहीं पति को धमकी मिलने के बाद सांसद कविता सिंह ने भी जिले के एसपी को इसकी जानकारी दी और धमकी देने वाले शख्स की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग की है और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगी।